नमस्कार, हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिंह बॉर्डर हत्या में एक और सरेंडर, दिल्ली के निहंग नारायण सिंह ने अमृतसर पहुंचकर सरेंडर किया। सिंह बॉर्डर पर तरन तारण के गांव चीमा के रहने वाले लखबीर सिंह की हत्या का विवाद गरमाता जा रहा है। इस घटना के 15 घंटे बाद शुक्रवार शाम को निहंग सरबजीत सिंह ने सरेंडर किया था। अब एक और निहंग नारायण सिंह ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली के निहंग नारायण सिंह को सरेंडर के बाद अमृतसर के देवीदासपुरा गुरुद्वारे के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। निहंगों को हटाने की मांग, किसान नेता बोले, हमारा आंदोलन कोई धार्मिक मोर्चा नहीं। कृषि कानूनों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच निहंग कई बार संयुक्त किसान मोर्चा के लिए समस्या बन चुके हैं। यही वजह है कि 2 महीने पहले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को कहना पड़ा था कि निहंगों का यहां कोई काम नहीं है, उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। रोहतक में महापंचायत, किसान मजदूर तालमेल महापंचायत में 21 खापों के प्रधान और प्रतिनिधि मंडल पहुंचे। हरियाणा के रोहतक जिले में आज मकडौली टोल पर किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली। कार्यक्रम में पहुंचे 2 बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत के बीच काफी दूरियां देखने को मिली। एलनाबाद उपचुनाव, चाचा भतीजे में नाराजगी बरकरार। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल शनिवार को पहली बार यहां पार्टी के चुनाव प्रचार में नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा खुद भरत सिंह बेनीवाल को अपने साथ लेकर प्रचार में पहुंची। इस दौरान बेनीवाल ने अपने भाषण में कांग्रेस और पार्टी हाईकमान को तो मजबूत बनाने पर जोर दिया, मगर कहीं पर भी अपने भाषण में ना तो पवन बेनीवाल का नाम लिया और ना ही उन्होंने वोट देने की अपील की। जींद में किसानों ने फूंका भाजपा नेताओं का पुतला, खटकल टोल पर धू धू कर जला 70 फीट का पुतला। सनातनी परंपरा से भले ही शुक्रवार को दशहरे पर रावण दहन हो गया, मगर किसानों ने हरियाणा में शनिवार 16 अक्टूबर को दशहरा मनाया। किसानों ने जींद जिले में खटकल और बद्दोवाल टोल पर पुतला दहन का प्रोग्राम रखा। कार्यक्रम के तहत खटकल टोल पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित अनेक भाजपा के केंद्रीय व प्रांतीय नेताओं के चित्र लगे 70 फुट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। दलित बहिष्कार पर फूंके सीएम डिप्टी सीएम के पुतले। जींद जिले के छातर गांव में 150 दलित परिवारों के सामाजिक बहिष्कार के विरोध में शनिवार को जींद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीम आर्मी के सदस्यों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा जींद के डीसी और एसपी के पुतले फूंके। नर्स भर्ती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान, बोले दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को शामिल करना हरियाणा की बेटियों के साथ धोखा। हरियाणा में निकली 275 स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के खट्टर सरकार पर बेटियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा द्वारा विज्ञप्ति 275 स्टाफ नर्स की भर्ती में प्रदेश की बेटियों से धोखा किया है। सिरसा में जहर के प्रभाव से विवाहिता की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद निवासी 24 वर्षीय शैलजा के जहर के प्रभाव से हिसार के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लेकर आई। वहां पर मृतका के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। संकट के बीच ऊर्जा मंत्री से चौटाला की मुलाकात, कोयला स्टॉक से लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श। कोयले की कमी के बाद बिजली पर गहराए संकट के बीच हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने नई दिल्ली के देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ही मंत्रियों के बीच कोयला स्टॉक से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को भरोसा दिलाया कि हरियाणा में कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे 2 क्लर्कों पर केस, रेवाड़ी कोर्ट में अप्रैल माह में किया था ज्वाइन। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोर्ट में फर्जी दस्तावेज के जरिए क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करने वाले 2 लोगों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दोनों ही क्लर्कों की नौकरी से हटाने के साथ ही उनके खिलाफ सेशन कोर्ट ने मॉडल टाउन थाना में केस भी दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विज द्वारा विभिन्न विभागों में दिए जाँच के आदेश, लटकाने वालों पर गिर सकती है गाज।
हरियाणा के गृह स्वास्थ्य अधिकारी व टेक्निकल एजुकेशन मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा कि आज तक उन्होंने जितनी भी जांच किसी भी मुद्दे पर किसी भी शिकायत पर विभाग में भेजी है उन पर क्या एक्शन लिया गया व एक्शन टेकन रिपोर्ट तुरंत उनके कार्यालय में भेजी जाए। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, कई लोग झुलसे। फरीदाबाद सीकरी गांव के समीप कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये घटना आज सुबह की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी प्रबंधक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। रेवाड़ी में महिला कर्मी के साथ दुष्कर्म, कंपनी के ही साथी कर्मचारी ने बंधक बनाकर गाड़ी में अंजाम दी वारदात। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक महिला कर्मचारी के साथ गाड़ी में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी महिला की कंपनी में ही काम करता है। वारदात 29 सितंबर की है, लेकिन आरोपी की धमकी के कारण डरी सहमी पीड़िता ने पुलिस को शिकायत शुक्रवार की शाम दर्ज कराई। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत में किसानों के टेंट में लगी भीषण आग, समय रहते बाहर निकले लोग, बाइक और सामान जलकर राख। हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर पर शनिवार सुबह किसानों के एक टेंट में आग लग गई। हालांकि इसमें जान हानि नहीं हुई है, लेकिन टेंट में खड़ी एक बाइक और सामान जलकर राख हो गया। टेंट में सो रहे व्यक्ति समय रहते बाहर निकल गए थे, लेकिन कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल पर पहले भी आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से 5 घटनाएं तो इसी साल हो चुकी हैं। ठगों के जाल में फंसा पानीपत का केमिस्ट, क्रेडिट कार्ड पर लगे एक्स्ट्रा चार्ज वापस कराने के नाम पर ठगे 1.60 लाख रुपए। पानीपत में ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ठग उच्च शिक्षित लोगों को भी फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। नए मामले में ठगों ने पानीपत के केमिस्ट और क्रेडिट कार्ड पर लग रहे एक्स्ट्रा चार्ज रिफंड करने का झांसा देकर उसे 1,59,595 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने ठगों के मोबाइल और अकाउंट नंबर के साथ सनौली पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। कानून वापसी पर ही खत्म होगा किसान आंदोलन, चाहे 10 साल सड़क पर डटना पड़े, रोहतक में बोले टिकैत। मकडौली टोल प्लाजा पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत में किसान नेता जमकर गर्जे, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं किया। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम 5 बजे तक चली। मुख्य वक्ता राकेश टिकैत ने 16 मिनट तक जोरदार भाषण दिया और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। सिंघु बॉर्डर पर युवक की हत्या की जिम्मेदारी किसान नेता ले, बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत। सिंघु बॉर्डर पर एक व्यक्ति को धरना स्थल पर मारे जाने के मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह बर्बरतापूर्ण घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस घटना पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी भी ली है, परंतु जो 40 के करीब धरना स्थल के नेता हैं उन्हें भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मौसम की जानकारी, हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में आज रात बदलेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी से सशक्त डिप डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे मध्य भारत में पहुंच गया है, जिसका आज रात्रि से ही हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसका यहां सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिलन होगा, जिस कारण मध्यम से भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, पूरे हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर हाहाकार। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में घोटाले, किसान और आम जनता को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज न धान की व्यवस्थित खरीद हो रही है, जिसके कारण औने पौने भाव पर धान बेचने को किसान मजबूर है, ना ही बाजरा के किसानों को एमएसपी मिल रहा है। दुष्यंत पर अभय चौटाला का तंज, जचपा के नेता मां बाप छोड़ सकते हैं कुर्सी नहीं। सिरसा इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने भतीजे व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर आज जमकर तंज कसा है। अभय चौटाला आज एलनाबाद हलके के कई गांवों में वोट की अपील करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र व प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया, वहीं अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर भी कई तंज कसे। सिंघु बॉर्डर हत्या मामले पर जेपी दलाल ने दी प्रतिक्रिया, आंदोलन में शरारती तत्व घुसे हैं।
किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की निर्मम हत्या के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जेपी दलाल के अनुसार घटना अमानवीय है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं, जेपी दलाल ने इस मामले को लेकर किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि आंदोलन में किसानों की जगह शरारती तत्व घुसे हुए हैं। खाद के कट्टे ले जा रहे युवा किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत। झज्जर कोसले मार्ग पर गांव सूर्यहिती के पास एक किसान का ट्रैक्टर पलटने और उसके नीचे दबने से किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान विकास पुत्र धनी राम निवासी सूर्यहिती के रूप में हुई है।